स्टूडेंट्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट्स यानी प्रेडिकेट के कौन कौन से पार्ट होते हैं उसके विषय में जानकारी प्राप्त करें। इसके पहले वाले वीडियो के अंतर्गत सब्जेक्ट के पार्ट के सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के पार्ट कौन कौन से है, उसके विषय में कैसे हमें सावधानी बरतनी चाहिए, इन सारी बातों पर प्रकाश डाला है। अब है पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। पहला नोटिस में सब्जेक्ट की भाग प्रेडिकेट के भी कई भाग होते हैं, यानी जैसे सब्जेक्ट के कई भाग होते हैं वैसे ही प्रेडिकेट के भी कई भाग होते हैं। इस भाग में सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है, यानी प्रेडिकेट वाले भाग में सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहा जाता है। इसमें वर्ब महत्वपूर्ण शब्द होते हैं, यानी प्रेडिकेट पार्ट में क्रिया जो होती है सबसे महत्वपूर्ण भाग होती है। वर्ब के साथ अन्य शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है, अर्थात यह भाग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट या वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट से मिलकर बनता है। यानी प्रेडिकेट वाले पार्ट में कभी केवल क्रिया रह जाती है, किसी में क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट होता है, किसी में क्रिया प्लस कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक से बनता है। कुछ वर्ब का अर्थ स्वयं ही पूरा हो जाता है, कुछ क्रियाएं ऐसे होती हैं जिनका अर्थ खुद में पूरा हो जाता है, जैसे बॉयज रन, लड़के दौड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई, चिड़ियां उड़ती हैं इत्यादि। ऐसे वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं, यानी ऐसे क्रियाएं जिनके कार्य का प्रभाव किसी के ऊपर नहीं पड़ता, यानी उनका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता वाक्य में, वह कहलाती है इंट्रांजिटिव वर्ब। यहां पर उसी का चार्ट बनाया गया, टेबल नंबर एक, सब्जेक्ट प्रेडिकेट। राम रंस, राम दौड़ता है, राम इसमें सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट रंस है। इसमें देख रहे सब्जेक्ट भी एक शब्द का और प्रेडिकेट भी रंस एक शब्द का और वह भी इंट्रांजिटिव वर्ब। दे डांस, वे नाचते हैं, वे नृत्य करते हैं, दे हुआ सब्जेक्ट, डांस हुआ एक शब्द का प्रेडिकेट यानी वर्ब, वर्ब होना आवश्यक है प्रेडिकेट। बर्ड्स फ्लाई, चिड़ियां उड़ती हैं, बर्ड सब्जेक्ट, फ्लाई प्रेडिकेट। प्रेमा इज रनिंग, यहां देख रहा सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दो क्रियाएं आई हुई, दो क्रिया मिलकर पूर्ण क्रिया का निर्माण कर रहे हैं, यानी प्रेडिकेट में केवल क्रिया है लेकिन एक सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। प्रेमा एंड उषा आर कमिंग, अब यहां आर कमिंग जो है अपने आर में अर्थ पूरा कर ले रहा है, प्रेमा और उषा आ रही है। सम ऑफ द बॉयज आर लाफिंग, कुछ लड़के हंस रहे हैं, यानी लड़कों में कुछ हंस रहे हैं। आर लाफिंग, आर सहायक क्रिया, लाफिंग मुख्य क्रिया। वी शैल कम, हम आएंगे, इसमें सहायक क्रिया कम मुख्य क्रिया यानी प्रेडिकेट पार्ट। ऑल ऑफ यू कैन गो, तुम में से सभी जा सकते हैं, कैन सहायक क्रिया, गो मुख्य क्रिया। इट हैज बीन रेनिंग, बारिश हो रही है, इसमें जरा देखिए हैज बीन सहायक क्रिया, रेनिंग मुख्य क्रिया। दे वेयर पनिश्ड, इसमें दे सब्जेक्ट, वेयर सहायक क्रिया, पनिश्ड मुख्य क्रिया, यानी प्रेडिकेट पार्ट में एक सहायक क्रिया और एक मुख्य क्रिया है। यानी इस प्रकार से आपने देखा कि कुछ ऐसे भी वाक्य होते हैं, कुछ ऐसे भी क्रियाएं होती हैं इंट्रांजिटिव जो अपने आप में अर्थ पूरा कर लेती हैं, उन्हें किसी ऑब्जेक्ट या अन्य कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ती, उनको इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब चार्ट नंबर दो, नोट दो, कुछ वाक्यों में वर्ब के पश्चात एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज आ सकता है। कहा कुछ वाक्य ऐसे भी होते हैं जिसमें क्रिया के बाद एडवर्ब आ जाता है, यानी क्रिया विशेषण आता है या क्रिया विशेषण उपवाक्य आता है। टेबल नंबर दो में देखिए सब्जेक्ट प्रेडिकेट, अब प्रेडिकेट में वर्ब है, वर्ब के बाद एडवर्ब है। दे वर्क, वे काम करते हैं। दे वर्क हार्ड, इसमें वर्क वर्ब है, हार्ड एडवर्ब है। सी वेंट अवे, वेंट वर्ब है, अवे एडवर्ब है। आइदर सीता आर गीता, विल कम बैक, आइदर सीता आर गीता सब्जेक्ट हो गया, विल कम वर्ब हुआ, बैक एडवर्ब हुआ। देयर
दीज प्लेयर्स ये खिलाड़ी वे आर रनिंग फास्ट, तेज दौड़ रहे थे ये खिलाड़ी, तेज दौड़ रहे थे। वे आर रनिंग क्या है? वर्ब है, और उसका फास्ट जो है एडवर्ब है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। His second son lives in Agra. उसका दूसरा पुत्र आगरा में रहता है। Both of them acted very foolishly. दोनों वो थाम दे, उनमें से दोनों बड़ी मूर्खता पूर्वक कार्य किए। Who plays in the morning? सवेरे कौन खेलता है? प्लेज वर्ब हुआ, इन द मॉर्निंग टाइम बता रहा है, एडवर्ब हुआ। दे डेड नॉट रीच इन टाइम, वे समय से नहीं पहुंचे। दे डिड नॉट रीच इन टाइम, वे समय से नहीं पहुंचे। All the guests, सारे मेहमान, all the guests are here, सारे मेहमान यहीं हैं। The cattle were in the field, पशु मैदान में थे। The cattle were in the field। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि predicate एक शब्द का भी हो सकता है, क्रिया जिसमें केवल क्रिया होगी उसके साथ मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया भी हो सकती है। और उसके बाद कुछ ऐसे वाक्य आते हैं इसमें वर्ब के बाद प्रेडिकेट में एडवर्ब क्रिया विशेषण आता है, अथवा क्रिया विशेषण वाक्यांश आता है। अब नोट नंबर 3 यानी प्रेडिकेट पार्ट के अंतर्गत नोट नंबर 3, कुछ वर्ब्स का अर्थ पूरा नहीं होता, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो अकेले अर्थ पूरा नहीं करती, और उनका अर्थ पूरा करने के लिए अन्य शब्दों के प्रयोग की आवश्यकता होती है। यानी कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनका अर्थ स्वयं पूरा नहीं होता और उनका अर्थ पूरा करने के लिए अन्य शब्दों की आवश्यकता होती है। जैसे आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं। सीता सैंग, सीता ने गाया, क्या गाया? ये सॉन्ग। इन वाक्यों में क्रिया राइट तथा सैंग का प्रभाव क्रमशः लेटर तथा सांग पर पड़ता है। मतलब मैं लिखता हूं तो क्या लिखता हूं? ए लेटर। लिखने का प्रभाव लेटर पर पड़ता है। सीता सैंग, सैंग का प्रभाव ये सांग पर है। इस प्रकार के वाक्यों में प्रेडिकेट दो भागों से मिलकर बनता है। ऐसे वाक्यों के अंतर्गत प्रेडिकेट पार्ट जो होता है वह दो भागों से मिलकर के बनता है। एक तो वर्ब होता है यानी क्रिया होती है, और दूसरा क्या होता है? उसका ऑब्जेक्ट होता है, यानी दूसरा उसका ऑब्जेक्ट। इसीलिए जैसे दिया हुआ है, मोहन राइट्स ए लेटर, मोहन एक पत्र लिखता है, मोहन राइट्स ए लेटर। अब इसमें देख रहे हैं टेबल नंबर 3, टेबल नंबर 3 के अंतर्गत सब्जेक्ट का यह कॉलम रहा, यह रहा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में क्या है? वर्ब आया, क्रिया आया है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी वर्ब के बाद एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। प्रेडिकेट दो भागों से मिलकर बना, क्रिया और कर्म से। पहला वाक्य ही इज रीडिंग ए बुक, वह एक किताब पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है? ए बुक। कैसे पता करेंगे आप कि ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट पता करने के लिए मुख्य क्रिया में क्या और किसको लगाकर प्रश्न कीजिए। उत्तर में अगर शब्द मिलता है तो क्रिया ट्रांजिटिव है, और जो उत्तर मिलता है वह ऑब्जेक्ट है, और अगर नहीं मिलता है तो क्रिया इंट्रांजिटिव है। He is reading a book. They sent a telegram. उन्होंने भेजा, क्या भेजा? टेलीग्राम। क्या से प्रश्न करेंगे क्रिया में, तो जो उत्तर प्राप्त होगा वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और किसको या किसे से प्रश्न करेंगे क्रिया में, उत्तर में जो शब्द या शब्द समूह मिलेगा उसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। आई शैल राइट ए लेटर, इसमें शैल राइट वर्ब हुआ, ए लेटर ऑब्जेक्ट हुआ। लता टुक ए बुक, लता ने एक पुस्तक लिया।
टू क्या है वर्ब है, एबो क्या है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द कारपेंटर मेड ए चेयर, द कारपेंटर मेड ए चेयर, बढ़ई ने कुर्सी बनाई। अब यहां मेड क्या है, मेड वर्ब है, चेयर उसका ऑब्जेक्ट है। अब टेबल नंबर चार में आइए। टेबल नंबर तीन से चार में अंतर यह है कि यहां इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। टेबल नंबर थ्री में वर्ब के साथ केवल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आया है और यहां टेबल नंबर चार में प्रेडिकेट पार्ट में क्रिया के बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रखा गया, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट उसके साथ लगाया गया। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ही रूट टू मी। अब यहां देख रहे हैं रूट उसने लिखा, किसको लिखा, मुझको लिखा, टू मी क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी प्रेडिकेट पार्ट में दो भाग है, क्रिया है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। राम हेल्प्ड मोहन, राम ने सहायता की किसकी, मोहन की। तीसरा ही टाट देम, उसने पढ़ाया किसको पढ़ाया, देम यहां इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। द टीचर पनिश्ड द बॉयज, अध्यापक ने लड़कों को सजा दी, किसको सजा दी, बॉयज। सी एब्यूज्ड द गर्ल्स, एब्यूज्ड गाली दिया, किसको गाली दिया, द गर्ल्स। नोट नंबर थ्री, कभी कभी सकर्मक क्रिया, कभी कभी सकर्मक क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया के साथ दो ऑब्जेक्ट आते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी प्रत्यक्ष कर्म होता है और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अप्रत्यक्ष कर्म होता है। जैसे ही गेव, उसने दिया, किसको दिया, मी, मी यहां इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ए बुक क्या दिया, एक पुस्तक दिया। अब देखिए whom, 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 किसको या किसे लगाकर क्रिया के साथ, किसको या किसे लगाकर प्रश्न कीजिए, उत्तर में जो मिलेगा वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। और क्रिया में क्या यानी वाट लगा के प्रश्न कीजिए, उत्तर में जो शब्द या शब्द समूह प्राप्त होगा वह डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाएगा। उदाहरण में ही गेव मी ए बुक, उसने मुझे पुस्तक दी, तो उसने किसको पुस्तक दी, मुझको दी, मी जो हुआ वह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। फिर गेव में प्रश्न कीजिए कि उसने मुझको क्या दिया, तो क्या के उत्तर में ए बुक हुआ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। सी बॉट ए बुक फॉर हर ब्रदर, उसने अपने भाई के लिए एक पुस्तक खरीदा। क्या खरीदा, बुक खरीदा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसके लिए खरीदा, किसको खरीदा, फॉर हर ब्रदर, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी कुछ वाक्य ऐसे होते हैं जिसमें दो ऑब्जेक्ट आते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसकी चर्चा अगले वाले वीडियो में विस्तृत रूप से की जाएगी। थैंक यू।